नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। एक तिहाई घट गई मृदा की जल धारण क्षमता। मिट्टी में 1% से घटकर 0.3% पहुंची कार्बन तत्वों की मात्रा। अब सितंबर तक मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। पढ़ाई, नौकरी और व्यापार के लिए विदेश जाने वाले को सतर्कता डोज पर लगाने पर विचार कर रही सरकार। दो साल बाद फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोविड दिशा निर्देशों को किया गया संशोधन। कर्नाटक के मंदिर परिसरों में मुसलमानों के व्यापार करने पर रोक की मांग। विभिन्न इलाकों में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अफसरों को दो टूक। अंत्योदय है हमारा लक्ष्य, तैयार कर ले अपनी कार्य योजना। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुने गए समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता। विधानसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश यादव मिले जयंत चौधरी से। बोले जारी रहेगा गठबंधन। योगी सरकार के 39 मंत्री करोड़पति। 20 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रामनगरी अयोध्या उत्साहित। स्वर्णिम संभावनाओं से युक्त होंगे अगले 5 साल। नहीं मान रहा रूस यूक्रेन पर, ताबड़तोड़ हमले जारी। पुतिन पर जमकर भड़के जो बाइडेन। चीन में क्रैश हुए प्लेन में सवार सभी 132 लोगों की मौके पर मौत। 120 के डीएनए की हुई पहचान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर 6 अरब रुपए की रिश्वत का आरोप। बाइडेन ने यूरोप से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। पुतिन से कहा नाटो की सीमाओं में घुसने के बारे में ना सोचे। नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी। दोनों देशों ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ड्वेन ब्रावो ने ली मलिंगा की बराबरी। सीएसके की हार के बावजूद बनाया बड़ा आईपीएल रिकॉर्ड। एमएस धोनी आईपीएल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बने। द्रविड़ को पीछे छोड़ा। नहीं चला रविंद्र जडेजा की कप्तानी का जादू। चेन्नई को कोलकाता ने हराया। सीएसके की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार साथ आए कोहली और धोनी। प्रैक्टिस सेशन के दौरान मिले दोनों। बीसीसीआई ने किया टोक्यो हीरोज का सम्मान। नीरज चोपड़ा को मिले 1 करोड़। माधुरी दीक्षित ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ किया रोमांटिक डांस। फैंस बोले अमेजिंग। स्टेडियम में नजर आए शाहरुख के बेटे आर्यन खान। अपनी टीम केकेआर को किया सपोर्ट। आपस में टकराई ट्रांस वुमन फैशन डिजाइनर शाइना शिंदे और कंगना रनौत। शो से होना पड़ा बाहर। शाहरुख खान ने शेयर की पठान के सेट से अपने लुक की झलक। कहा तो पठान को कैसे रोकोगे।
500 करोड़ रुपए की लागत से बनी एसएस राजामौली की आरआरआर तमिल रिकॉर्ड से ऑनलाइन की लीक। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।